19 नवंबर 2023, ये तारीख बीते 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन इस दिन अहमदाबाद में जो घटा उसका दर्द जीवन से जा ही नहीं रहा है। रोहित शर्मा की टीम ने जो वर्ल्ड कप टॉप पर रहते हुए शुरू किया था, इस तारीख पर उसका बुरा अंत हुआ और ये चीज इंडियन फैंस के दिमाग से जा ही नहीं रही। 7 मार्च 2024 को बैटिंग ग्रेट सुनील गावस्कर ने एक बार फिर से वही जख्म कुरेद दिए। बात धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन की है। जैक क्रॉली और बेन डकेट टिके हुए थे, दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर ठीक ठाक वक्त बिता दिया था, लेकिन तभी शुभमन ने कमाल कर दिया। बात पारी के 18वें ओवर की है। कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे, उनके पहले ही ओवर की आखिरी गेंद फ्लाइट डिलीवरी, डकेट लालच में पड़कर लपके और गेंद को लेग साइड की ओर उड़ाना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर सही से आई नहीं। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और हवा में उड़ चली। कवर्स पर फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल ने इसे हवा में देखा और दौड़ लगा दी। वो भागते हुए लगभग उतनी दूरी तय कर गए जितने में एक रन काउंट हो जाए और भागते हुए डाइव मार बेहतरीन कैच लपका। इंग्लैंड का पहला विकेट 64 की टोटल पर गिरा और ये एफर्ट देख कॉमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर बोल पड़े, ऐसे कैच करने आसान नहीं होते हैं, पीछे की ओर भागना, ये वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा के विकेट की याद दिलाता है। ट्रेविस हेड ने ठीक ऐसे ही उन्हें कैच किया था। साथियों का जश्न देखिए, उन्हें पता है कि ये कितना कठिन था। कमाल की बात, क्या क्रिकेटर है ये। डकेट को निपटाने के बाद कुलदीप ने 4 और विकेट अपने नाम किए। उन्होंने ओलिपॉप, जैक क्रॉली, जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स को भी निपटाया। कुलदीप ने 7 साल पहले 2017 में इसी मैदान से टेस्ट डेब्यू किया था। उस टेस्ट में इन्होंने 4 विकेट निकाले थे। हालांकि इसके बाद वो अभी तक कुल 12 टेस्ट ही खेल पाए हैं। इन टेस्ट मैचेस में उनके नाम 50 विकेट हैं। कुलदीप गेंदों के हिसाब से सबसे तेजी से 50 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर हैं। उन्होंने 1881 गेंदों में एक कारनामा किया। पिछला रिकॉर्ड अक्षर पटेल के नाम था, उन्होंने 50 टेस्ट में विकेट्स के लिए 2205 गेंदें फेंकी थी, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2465 गेंदों में 50 टेस्ट विकेट पूरे किए थे। बात धर्मशाला टेस्ट की करें तो इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 218 रन ही बना पाया। ओपनर जैक क्रॉली ने 79 रन की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी अंग्रेज 30 रन तक भी नहीं पहुंच पाया। भारत के लिए अपना 100वां टेस्ट खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने 4, जबकि रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट खोकर 135 रन बना लिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।